अवज़बिल्न बसमी अज़ीज़ तलबा व तालबात अल्लाम वरम वबरक़ा वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर डी स्टूडेंट्स अल्लाम वरहमतल वबरक़ मोहम्मद कासिम शकील आपका बायोलॉजी का टीचर कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत से होंगे अजीज तलबा बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सब्जेक्ट है इसके अंदर हम जिंदगी का मताल करते हैं बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स का जानदारों का मताल करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम बायोलॉजी में जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं उनके अंदर होने वाले फंक्शंस और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं अजीज़ तलबा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमें ज़िंदगी के मतलब बहुत अहम मालूम और आगाही फ्राहम करता है नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी के इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैंने आपको बायोलॉजी के मतलब और साइंस के मतलब कुछ मालूम फ्राहम कि तो चलें स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर वन बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स साइंस एक ऐसा इल्म है जो दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ों के बारे में हमें मालूम फ़राहम करती है साइंस हमें यह भी समझाने की कोशिश करती है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में क्या क्या तब्दीलियाँ रोज़ बरोज़ रोनम हो रही हैं साइंस की बात की जाए कि कायनत क्या है ये दुनिया क्या है और इसका निज़ाम कैसे चल रहा है ये एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से जिसकी मदद से हम लाइफ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं साइंस एक ऐसा इल्म है जिसकी मदद से हम जमीन की कंपोजिशन उसकी बनावट को स्टडी करते हैं साइंस एक ऐसा इल्म है जिसके बारे में हमें हवा के मतलब पता चलता है डियर स्टूडेंट्स मुख्तसर ये कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो दुनिया में मौजूद तमाम अशिया के बारे में हमें मालूम फ्राहम करती है अज़ीज़ तलबा इंसान जब से पैदा हुआ है तो वो साइंस का इलम हासिल करता चला आ रहा है जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उसकी मालूम में इजाफ़ा होता गया उसके लिए मालूम हासिल करने के जो जराए थे वो बेहतर से बेहतर होते चले गए इंसान की मालूम जैसे जैसे बढ़ रही हैं उसकी ईजादात इन्वेशन में भी इजाफा होता जा रहा है हज़ारों साल पहले जब इंसान ज़मीन पर आए तो वो जंगलों में रहा करते थे वो दरख्तों के पत्तों से अपना लिबास तैयार करते थे यहीं से लिबास का आगाज़ हुआ इंसान अपने काबिल शर्म हिस्सों को छुपाना चाहता है लिहाजा उसने मालूम के साथ लिबास का आगाज़ किया उसने दरख्तों के पत्तों के साथ अपने जिसम को ढांप लिया जैसे जैसे उसकी मालूम में इजाफ़ा होता गया उसके जहन में ये ख़याल पैदा हुआ कि जानवरों की खाल से भी वो अपने जिस्म को लिबास के तौर पर ढाँप सकता है जूँ जूँ उसकी मालूम में इजाफ़ा होता गया उसको पता चलता गया कि पौधे होते हैं ज़मीन में उगते हैं और उसके अंदर उसके ऊपर पैदावार लगती है उनसे अनाज हासिल होता है उनसे फल और सब्जियां हासिल होती हैं उसको मालूम हुआ कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे कपास बनती है कपास के गालों से रुई बनती है रुई से धागा बनता है धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से लिबास तैयार होता है इस मालूम ने उसकी जिंदगी को एक नई उमंग और सोच और जज्बा दे दिया हजारों साल पहले जानवरों की खालों को चमड़े के तौर पर और लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जैसे जैसे अल्लाह पाक ने उसकी मालूम में इजाफ़ा किया उसको पता चल गया कि आज जो चमड़ा है वो हजारों साल पहले लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था आज वही चमड़ा जदीद प्रोसेसिंग के बाद हमें देखने को मिलता है जो कि धागे से बनता है यही उसकी लेटेस्ट फॉर्म है हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहा करता था उसके पास घर नहीं होते थे वो दरख्तों के पत्तों से तनों से झोंपड़ियाँ बनाता था फिर उन झोपड़ियों की जगह कच्चे घरों ने ले ली यानी ईंट ने उसकी जगह ले ली पहले मिट्टी से घर बनते थे फिर मिट्टी की जगह ईंट ने ले ली अब हमारे सामने ईंट की जगह जदीद इमारतों और मकानों ने ले ली तो स्टूडेंट्स इससे जाहिर हुआ कि हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहा करता था उसके रहन सहन का जो इंतज़ाम था वो झोंपड़ियाँ करती थीं मतलब उसने झोपड़ियाँ बनाई थी अपने रहन सहन के लिए झोंपड़ियों की जगह फिर मट्टी ने ले ली गारे ने ले ली वो मट्टी और गारे के घर बनाने शुरू कर लिए उसने फिर मट्टी और गारे की जगह ईंट ने ले ली और आज जदीद मकान उसने तैयार करना शुरू कर दिए तो डियर स्टूडेंट्स यही साइंस हमें सिखाती है कि वक्त के साथ साथ किस तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए अजीज तलबा हजारों साल पहले इंसान कच्चा गोश्त इस्तेमाल करता था जू जू उसके इलम में इजाफा होता गया उसने इसको पका कर खाना शुरू कर दिया जब इंसान को ये पता चला कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग पैदा होती है उस आग को जलाकर गोश्त को पकाने का अमल शुरू किया गया इब्तदा में इंसान बागात नहीं लगाता था खेती बाड़ी नहीं करता था फिर उसके इलम में ये बात आई कि पौधों में बीज होते हैं उनको ज़मीन में दबाया जाता है उनसे फिर नए पौधे बनते हैं इंसान ने इस तरह खेती बाड़ी का अमल शुरू किया अजीज़ तलबा इंसान को जैसे जैसे पता चलता गया उसकी मालूम में इजाफ़ा होता गया उसने अपने तजर्बात और मुशाहदात के साथ अपनी मालूम में इजाफ़ा किया और यही मालूम जो हमें ज़मीन की जिंदगी को समझने के बारे में मालूम देती है इसी मालूम को दरअसल एक्चुअली साइंस कहा जाता है अजीज़ तलबा इब्तदा में साइंस की शाखें नहीं थी इंसान को समझ नहीं आती थी कि वो इसके इलम को किस तरह अपनी ज़िंदगी में लाए और किस तरह अपनी ज़िंदगी को समझे जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उसने फिर इसको बायोलॉजी को साइंस को शाखों में तब्दील कर दिया आज हम साइंस का मुताया करते हैं उनकी मेजर डिवीज़ का मुताल करते हैं उन डिवीजनस को समझने की कोशिश करते हैं उनमें जो सबसे मेजर डिसिप्लिन और डिवीज़न है वो फिज़िक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है अजीज़ तलबा साइंस की डेफिनेशन को अगर हम समझें उसका जायज़ा लें तो कुछ यूँ बनती है उसकी डेफिनेशन द स्टडी इन विच ऑब्ज़रवेश आर मेड मतलब उनमें मुशाहदे किए जाते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन और फिर उनको तजरबा से गुजारा जाता है एंड लॉजिकल कंक्लूजनस आर ड्रडर टू अंडरस्टैंड द प्रिसिपल ऑफ नेचर अजीज़ तलबा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है अल्लाह पाक ने हमें पाँच सेंसेस अता की हैं वो आब्जर्वेशन के तौर पर मुशाहे के तौर पर हम उसको यूटिलाइज करते हैं आँखों से देखना कानों से सुनना हाथों से महसूस करना ज़ुबान से चखना और नाक से सूंघना अजीज़ तलबा यही मुशाहदात हैं जिनसे हम रोजमर्रा ज़िंदगी में मुशाहदे करते हैं अगर इनको बायोलॉजिकल टर्म में एक लफ्ज़ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हाइपोथेसिस मफरूज़ा नाम दिया जाता है उसको उर्दू में उसको मफरूज़े के नाम पर जाना जाता है फिर इसको एक्सपेरिमेंटल वर्क से गुजारा जाता है चेक करने के लिए कि खा ये मुशाहदे दुरुस्त भी हैं या गलत अगर ये मुशाहदे सही तरीके से साबित हो जाएं, यानी सही तरीके से ऑब्जर्व हो जाएं, तो फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं उनको समझने के काबिल हो जाते हैं अजीज तलबा हम इसको एक मिसाल के जरिए समझते हैं हमारे सामने एक पंखा है उसके साथ एक वायर है जो सॉकेट तक जाती है हमने उसका स्विच सॉकेट में लगाया और बटन प्रेस किया पंखा स्टार्ट हो गया चलना शुरू हो गया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यह पंखा बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन में है जब तक हम इसको एक्सपेरिमेंटल वक्त से नहीं गुजारेंगे तब तक यह पंखा नहीं चलेगा तो अजीज तलबा ये आज हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह इंसान ने दर्जा ब दर्जा आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना शुरू किए उम्मीद है अज़ीज़ तलबा वालबात आज का जो जनरल ओवरव्यू था साइंस के बारे में साइंस की तारीख के बारे में आपको अच्छे तरीके से आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा स्टूडेंट्स अगर तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया है तो आपने हमारे चैनल को ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है हज़रत अली करम्लावजो का फरमान है जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है अज़ीज़ तलबा आज का लेक्चर उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि किस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा उन्होंने अपने रहन सहने के लिए किस तरह झोंपड़ियाँ बनाई फिर मिट्टी के गारे के घर बनाना शुरू किए और अपने काबिल शर्म हिस्सों को किस तरह छुपाया पत्तों से किस तरह अपने जिसम को ढाँपा फिर जानवरों की खालों से अपने जिसम को छुपाया और, और किस तरह मट्टी और गारे के घरों ने आज जदीद अमारतों की शक्ल इख्तियार की इजाज़त चाहता हूँ आपका टीचर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद कासिम शकील अल्लाह ने के बान